मुंबई गोवंडी में बीके इंग्लिश और एसके एकेडमी द्वारा अभिभावक और बच्चों के लिए एक दिवसीय गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावक और बच्चों में सामंजस्य और वार्तालाप पर मार्गदर्शन किया गया। आयोजन के मामले में विशेषज्ञ इरफान कवचाली ने लोगों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन बीके स्कूल के प्रिंसिपल शबाना खान और कोऑर्डिनेटर संदाम खान द्वारा स्कूल के चेयरमैन वकील खान इन्होंने मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें मुख्य रूप से पेरेंट्स द्वारा बच्चों की परवरिश पर क्या एहतियात बरतना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दरमियान स्कूल में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मनोरंजन किया और साथ ही कार्यक्रम में शामिल सभी बच्चों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। ये एक पेरेंटिंग गाइडेंस का प्रोग्राम है। हम लोग जो पेरेंट्स हैं आज की तारीख में, तो इनको अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, बच्चों को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना चाहिए, उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए, तो यही सारी चीज़ें आज हम उनको पेरेंटल गाइडेंस में बताने वाले हैं। सर जी, मैंने अपने लाइफ में 20 साल के लाइफ में 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने मोटिवेट किया है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हमने काफ़ी सारे स्कूल्स में किया है, लेकिन गोवंडी में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा कि माशाल्लाह इतने अच्छे जगह पर हम आए हैं और डिलीवर कर रहे हैं। नहीं, इनको बहुत उठाना पड़ेगा, इनकी क्वालिटी को और बहुत इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। जैसे हम वेस्टर्न मुंबई में देखेंगे, वहाँ पेरेंट्स का नज़रिया अलग है, बच्चों के लिए अलग है, यहाँ एक अलग नज़रिया है। तो काफ़ी मेहनत है, इंशाल्लाह शुरुआत किए हैं, आप जैसे लोग साथ में होंगे तो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम इरफान कौचाली है और मेरी कंपनी है उद्योग गुरु ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, और ये मेरा एक सोशल कॉज है कि मैं तो बिज़नेस कोच हूँ, एक्चुअली पॉलिटिकल कोच भी हूँ, बट ये मेरा बिज़नेस सोशल कॉज है कि बच्चों को किस तरह से और पेरेंट्स को किस तरह से गाइड किया जाए। जी, बीके इंग्लिश स्कूल का प्रोग्राम है और एसके एकेडमी भी इसके साथ ज्वाइन है। हमारा मकसद ये है कि हम गोवंडी में क्वालिटी एजुकेशन शुरू करें, और जैसे कहा जाता है कि स्कूल अकेले जिम्मेदार नहीं होती बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, हमको पेरेंट्स के साथ जुड़ना होता है। तो ये हमने बहुत अहम समझा कि हम कैसे भी पेरेंट्स को इस पूरे प्रोसेस में साथ में जोड़े और उनको पहले ये सिखाए कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है, फिर उनको वहाँ से हम एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस बताते चले, ताकि दोनों तरफ से हम बच्चों को कवर कर सके और इस प्रोसेस को कामयाब कर सके। जी जी, हम पूरे साल जो हमारे बच्चे इतना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उसका पूरा हम उनको अप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर करते हैं। तो इससे अच्छा मौका हमको शायद कहीं नहीं मिला, क्योंकि जब पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, तो माँ बाप देखते हैं कि साल भर क्या किया है बच्चे ने, फिर उस हिसाब से वहाँ पे वो फेलिसिटेशन किया जाता है उनका।